रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गुनावर कमंगरपुर गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब चकबंदी का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर धावा बोलकर पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों के हमले से इंस्पेक्टर हरचंदपुर और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए अन्य थानों के फोर्स, एसडीएम सदर, सीओ महाराजगंज मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक चकबंदी विभाग गांव में चकबंदी कराने के लिए पहुंचा था। गांव में पानी भरा था, लेकिन इसके बाद विभाग चकबंदी कर रहा था। ग्रामीणों ने उसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस के आने के बाद भी विभाग द्वारा चकबंदी की नाप की जा रही थी, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित ने बताया कि गुनावर कामंगलपुर गांव में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें थाने के कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, उनका इलाज किया जा रहा है। गांव के प्रधान और ग्रामीणों से वार्ता की गई, आगे उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। कहाँ आई और क्या मामला है पूरा? गुनावर कमंगलपुर में आज चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों में कुछ विरोधाभास हुआ, जिसकी वजह से पुलिस से उनका कॉन्फ्रेंटेशन हुआ है। यहाँ पर तो यहाँ पर आए हुए हम लोगों ने वार्ता करी है यहाँ के प्रधान आदि से, जो उनकी समस्याएं और शिकायतें हैं उसकी दरख्वास्त हमने प्राप्त करी है, जिसको हम सक्षम अधिकारी के द्वारा जाँच करा के इसमें नियम संगत रूप से कार्यवाही कराएंगे, और जो भी कार्यवाही होगी वो ग्रामीणों को संज्ञान में दिलाते हुए ही कराई जाएगी। मैम, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? हाँ, थोड़ी चोटें आई हैं लोगों को, उसके मेडिकल जांच हो रही है और उसके आगे जो अग्रिम कार्यवाही है।